आज ग्रहों की दुनिया में ले जाते हैं। डालो ग्रह ग्रह पत्र लिख लो, अच्छी बात है, आ भी जाएगा। यहाँ पास में मत आना, फिर गिर उड़ जाएगा ये। निकालो उसका, चलो आज ग्रहों की दुनिया में ले जाते हैं। डालो ग्रह ग्रह क्या दीदी आपने मुझे हिंदी दिया हुआ है? आप मुझे हिंदी बता दो, बहुत से शब्दों की हिंदी नहीं रहती। जल्दी लिखो, हो गए ग्रह। मुझे अपनी तरफ से बताओ कि ग्रह किन्हें कहते हैं? मंगल ग्रह। अल्लाह, मैंने क्या पूछा? क्या ग्रह क्या होते हैं? मंगल ग्रह। ग्रह मंगल ग्रह, क्योंकि पृथ्वी ग्रह नहीं है, है ना? तो पहचान की जिसमें जीने का मतलब खड़ा हो रहा है, बस जिसमें हम जी सकते वो ग्रह। मैं बताऊं जो बोला था वो टोटल ग्रह जो आकाश में हो। क्या क्या डेफिनेशन बता रहे? क्या होता है? व्हाट इज प्लैनेट? व्हाट इज प्लैनेट? सौरमंडल, जहाँ पर जीने का सहयोग हो। अच्छा, तब तो फिर हमारे टोटल प्लैनेट्स कितने? टोटल प्लैनेट्स 8 है। तो फिर 8 पे हम रह क्यों नहीं रहे फिर? दीदी, जहाँ पर जीने का वो, दीदी एक क्वेश्चन है, दीदी एक क्वेश्चन है, जहाँ ऑक्सीजन और पानी हो, जहाँ सब चीज उपलब्ध हो। क्या? जहाँ पानी हो, जहाँ पेड़ जिस सौरमंडल में हो। दीदी एक क्वेश्चन है, दीदी सोलर सिस्टम और सौरमंडल में आ जाता है? हाँ, दीदी बताओ ना, सोलर सिस्टम और सौर मंडल, ये तो 16-16 आ रहे हैं, तो 16 प्लेनेट होना चाहिए, नाम कैसे रखा हुआ है? सौर मंडल बोलते हैं हिंदी में, सौर का मतलब होता है सूरज, मंडल बहुत से उनमें बहुत सारे ग्रहों के बारे में बताते हैं ना। सोलर सूरज के अगल बगल में, सोलर सिस्टम वही तो है, सौर मंडल हिंदी में, इंग्लिश में सोलर सिस्टम, सोलर का मतलब सूरज के अगल बगल में। तो देखो कैसे ग्रहों का पता कैसे चलेगा, ग्रह क्या होते हैं? तो वह जिनमें अपनी ऊष्मा होती है, अनोखी चीज हो, ऊष्मा नहीं होती, सॉरी ऊष्मा नहीं होती, ऊष्मा मतलब दीदी ग्रह में जिनमें ऊष्मा मतलब अपनी रोशनी हो, लाइट नहीं होती, जिस ठीक है जिनमें अपनी लाइट नहीं होती वो क्या कहलाएंगे? ग्रह। अब बता, ये कपड़े में लाइट नहीं है, ये ग्रह हो गया? नहीं, तो मतलब इसमें कुछ और बाकी है, गर्मी, ठीक है, ऊष्मा मतलब गर्मी। दूसरा, अपना प्रकाश ना हो, ऊष्मा मतलब अपनी गर्मी ना हो उसमें, ठीक है, और अपना प्रकाश ना हो, लाइट ना हो उसमें, ठीक है। तीसरा हो गया दीदी, हो गया, हो गया, अपना प्रकाश ना हो। और ग्रह वो कहलाएंगे जो, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो सूर्य के चक्कर लगाते हैं, जो सूर्य के चक्कर लगाते चक्कर लगाएंगे वो भी अपने कक्ष पर, सूर्य के चक्कर लगाएंगे वो भी अपने कक्ष पर, अपने कक्ष पर, सूर्य के अपने लिखो है एक कक्ष पर, एक कक्ष पर, कक्ष क्या होता है जगह, जैसे मान लो यहाँ पे बीच में सूरज है, जगह तो इसके अगर मान लो ये पृथ्वी यहाँ पे है तो ये इसी लाइन पे घूमेगी, किसी और लाइन पे नहीं जाएगी। जब ये आठ मान लो कितने आठ प्लेनेट
होते हैं, तो 8 लाइनें होंगी और एक दूसरे के लाइन में नहीं जाएगी, ठीक है। वो हो गया हमारा कक्ष, ठीक है, समझ आया। 3 लाइन लिख लो जल्दी, एक पर, तो ठीक है। ड्राइंग नहीं बनाना अभी, मत बनाओ, मैं बनवा दूंगी। तो ग्रह क्या होते हैं जिनमें अपनी ऊष्मा और अपना प्रकाश ना हो, और तीसरा पॉइंट जो सूर्य का चक्कर लगाता हो वो भी अपने कक्ष पर, ठीक है। एक अपने एक रोटेशन जो करेगा वो सूरज का, वो एक लाइन पे करेगा, ये ध्यान रखना। जैसे हम लोग तारक में लगाते हैं, तुम ग्रह हो गए, नहीं दिल लगाते हैं ना। देखो इन दो डेफिनेशन से ना कोई भी चीज को फिर हम ग्रह बोल देंगे। अगर ऊष्मा है और प्रकाश, ठीक है, ऊष्मा प्रकाश नहीं है, तो मान ले अगर ये कॉपी है या डस्टर है, इसमें ऊष्मा और प्रकाश नहीं है, तो ये ग्रह हो गया, नहीं हुआ ना। लेकिन अगर ये सूर्य का चक्कर भी लगाना चाहिए, तो ये सूर्य का चक्कर लगाएगा, एक जगह का एक जगह रहेगा। ग्रह चमकने नहीं चाहिए, तारे चमकते हैं ना। हाँ, तारे चमकते हैं। तारों में अपनी ऊष्मा और रोशनी। सूरज में कौन कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन और कार्बोहाइड्रेट और कुछ नहीं, कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीजन। ये सूरज का जब टॉपिक पढ़ाऊंगे ना उसमें पढ़ा दूंगी। सूरज में हीलियम और हाइड्रोजन पाया जाता है। हीलियम से आग लगाया जाता है, ठीक है। ये पॉइंट उतार लिए। अब बताओ मुझे ग्रहों के नाम। ये तुम्हारा ग्रह समझ आ गया कि ग्रह क्या होते हैं, ठीक है। ग्रह से समझ, कुल ग्रह कितने होते हैं जी? पहले तो पृथ्वी लिख दो आप, और दूसरा है ग्रह। सुन लो, पहले कितने थे? नौ थे, उनमें से एक को हटा दिया गया। एक को क्यों हटा दिया गया? क्योंकि वो इन तीनों में से कोई एक काम नहीं कर रहा था। अब बताओ वो कौन सा काम नहीं कर रहा था? सूर्य के चक्कर, सूरज का चक्कर लगा रहा था, मगर वो दूसरे के कक्ष में घुस जा रहा था, ठीक है। जो लास्ट का ग्रह होता है ना, अरुण और वरुण, उसके क्या कक्ष में वो घुस जा रहा था, तो उसको भगा दिए। कैसे भगा देंगे वो? अरे मतलब हमने स्टडी नहीं किया कि वो ग्रह है, मतलब उसे नाम से हटा दिया। सब बता दूं, मैं जितना बोलूं उतना समझो। वो ग्रह के उसमें से हटा दिया गया कि अब हम उसको ग्रह के अंदर स्टडी नहीं करेंगे, क्योंकि लास्ट में जो प्लूटो था, प्लूटो उसको हटा दिया गया। अब कुल ग्रह कितने बच गए? फिर हम 9 बच गए, 8 बच गए टोटल। 9 में से 8 एक चला गया ना, तो 8 बच गए। जल्दी दिखाओ बुक। मंजूषा मतलब क्या होता है? मंजूषा खाली स्थान, रिक्त स्थान। कर ली गई, जैसे आ जाएगा ऐसा, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स दे देगा, और ये भी तुझे मिल जाएगा। संस्कृत में तो सारा कुछ उसी के अंदर होता है, क्वेश्चन पेपर के अंदर ही सारा आंसर होता है, देख देख के भरना होता है। चित्र वाला भी आएगा, ग्रह का नाम लिख लिए, नहीं आता ग्रह का नाम लिखो अपने। इंग्लिश में लिखना, कोई बात नहीं, ये तुम्हारे समझाने के लिए। अंग्रेजी लिख दूंगी तुम लोग को समझ नहीं आएगा फिर। दीदी क्या बोलते, वही हिंदी में ही कराओ आप, वही तो समझने के लिए तुम लोग करा रही हूँ, तुम लोग को याद हो जाएगा। हिंदी में मोटे करूंगा, रुक जाओ। मैं भी हिंदी में ही कर रहा हूँ। देखो मोटे ने कर दिया, चंद्र, मर्चुरी, जुपिटर। बेटा इतना मारूंगी ना कि तुम्हारे पापा आएंगे, बोलेंगे कि बताओ क्या करवाना है। पट्टी करवाना है। पहला तुम्हारा आ जाए कौन सा, जल्दी बताओ। सूर्य ग्रह पढ़ रहे, और सूर्य जाएगा है ग्रह में। सूर्य कहाँ से आ गया? सूर्य निकल गया।
अब दीदी मैंने कर लिया देखो ना, मैंने मार्स नेपच्यून ने जुपिटर पहला होता है बुध बुध ग्रह होता है पहला, दूसरा होता है शुक्र। दीदी उसका इंग्लिश भी लिख दो। हाँ वो भी लिख ली। अभी मेरा पेन भी यार वो कैसे बिठा भाई, थोड़ा सा मात्रा वगैरह गलत हो गई इसमें तो अपना कर लेना ठीक है। मर्क्यूरी होता है मर्क्यूरी, शुक्र का होता है वीनस ठीक है, थर्ड में हमारा आ जाता है पृथ्वी ठीक है। आलोक बहुत ज्यादा आवाज आ रही है तेरी। दीदी मेरा पेन चस हो गया वो ये रहा ठीक है। तीसरा होता है पृथ्वी, वो मोटा सांड तू पगला होने जाता है बोल रहा चोरी कर लिया। चौथा होता है मंगल, पांचवा होता है बृहस्पति। मैं हट जाऊंगी तो आगे तू लिखेगा बृहस्पति पृथ्वी, ये मंगल का होता है मार्स, मंगल बृहस्पति हो गया, शनि पहले दीदी को लिख लेते, सातवा हो गया अरुण, आठवा हो जाएगा वरुण। जल्दी चेपो सैटर्न, सैटर्न होता है सैटर्न यूरेनस और नेपच्यून हो गया। जल्दी करो हिंदी में अगर याद करो तो बहुत आसान है। हमारे मन जो हमारे वीक्स नेम होते है ना सप्ताहों के नाम, पहले बुध आ गया, बुध से स्टार्ट करो, बुध के बाद क्या आता है मंगल, बुध के बाद मंगल आता है, थप्पड़ खाना चाहता है क्या, वीरवार आता है, वीरवार को गैप किया फिर क्या आ गया शुक्रवार, शुक्रवार के बाद क्या आता है शनि, शनि को छोड़ दिए उसके बाद आता है संडे आता है ना रविवार, तो रविवार संडे कहाँ मनाया जाता है पृथ्वी पर, तो यहाँ पे पृथ्वी लिख देना थर्ड नंबर पे, और हमारा ग्रह थर्ड नंबर पर ही है ठीक है। संडे के बाद क्या आता है मंडे, गैप किया फिर मंडे के बाद मंगलवार आ गया, फिर मंगलवार के बाद बुधवार गैप किया बृहस्पतिवार, बृहस्पति बृहस्पति के बाद शुक्रवार गैप किया शनि, लास्ट में अरुण वरुण हो गया। अब इंग्लिश में पता नहीं कैसे होता है मिटा दो दीदी, इसमें भी कुछ ठीक था, माई एजुकेटेड मदर, हाँ ऐसे था कुछ नहीं, हाँ ऐसे था माई एजुकेटेड मदर, अब कुछ था उतना ध्यान नहीं मुझे, कभी करूंगी याद आएगा तो बता दूंगी ठीक है। रेस कर रहे हो देखो, मान लो ये सूरज है ठीक है दीदी, आप बचपन में ऐसे ऐसे बनाते ना दीदी, आपने ये चेक नहीं किया था, चेक कर दिया है, ये टिक का निशान नहीं दिख रहा। आप देखो कितने ग्रह है, उतना अच्छा ड्रॉइंग नहीं है मेरा, और बनाने की कोशिश कर रही हूँ बहुत बेकार है। दीदी ये देख रही हूँ क्या बोल रहे कुत्ते की मौत मार, ज्यादा मत बोल बता रहा हूँ मैं, तो पहले उसने बोला है ठीक है ना, लड़ लड़ के मर जाओ ना तुम लोग, तो दीदी को बोल के मेरे को बोलो दे युद्ध का मैदान खोल देती हूँ मंदिर में, आशीष वैसे वैसे डालो वो कर देना, चार पाँच छह हो गया, सात हो गया, जल्दी जल्दी कॉपी में काम करो, फिर तो जल्दी लाया दीदी, आप लाइए कंपास, दीदी कंपास है, गोला नहीं बनाना हाथ से, तो जैसे मैं बना रही वैसे बना, और यहाँ पे तुम लोग अवार्ड जीतना है ड्राइंग में,
वर्ल्ड कप। हाँ दीदी एकदम वर्ल्ड कप। कंपास भाई पहली बार उठा रहा हूँ, बस मर्डर करने के लिए उठा तो था। क्या कर रही है आसमान? बहुत ज्यादा मुंह नहीं खुल रहा है अभी जी, ज्ञान की बारिश हो रही है क्या आसमान से? मैं ज्ञान चुरा ली है टेस्ट ग्रे पे, ज्ञान की बारिश हो रही है। मोटा में भी जुड़ी है क्या सब? माशाल्लाह अच्छा मुझे तुम लोग देख कर बताओ कितने होना हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जी आप देखो इसमें बताओ मुझे, अपना दिमाग लगाओ, कॉपी बंद कर दो अभी, बंद करो कॉपी। कर दिया दिमाग तो है ना जी, अपना दिमाग दिमाग लगाओ और बताओ मुझे कि इसमें सबसे गर्म ग्रह कौन सा होगा? अरे यार क्या कहते थे सूर्य, फिर बोल रहे सूर्य। अरे नहीं सूर्य क्या है? तारा है। सूर्य क्या है? नोट लिखो, सूर्य एक तारा है। जुपिटर। सूर्य जुपिटर क्या? मर जाऊंगा। कौन सा है? याद रखना हमारा सबसे नजदीकी तारा कौन है? सूरज। सूरज ठीक है, सबसे नजदीकी तारा सूरज है। सूरज हमारा सबसे गर्म पूछिए यहाँ, सबसे गर्म हमारा कौन सा वो है? दीदी सबसे गर्म तारा कौन सा है? मैं बताऊंगा दीदी, मार्स। ठीक है तू बता, मैं दिमाग लगा यहाँ पर और बता कौन सा सबसे गर्म? मार्स। दीदी दीदी ये कौन सा है? ये सबसे आगे वाला कौन सा था? सबसे पहले कौन सा था? कॉफी देखना। अरे ना मैंने पलटा ही नहीं, देख लो जल्दी बता कौन सा था। शुक्र था सबसे पहले, बुध शुक्र। सबसे गर्म जब तुम्हें बोल देगा ना तो ये है सबसे गर्म, क्योंकि ये पहले ही है। लेकिन जो बुध ग्रह है ना उसमें हवा नहीं पाया जाता, ऑक्सीजन वगैरह कार्बन डाइऑक्साइड नहीं पाया जाता। अब देखो अगर मान लो इस पे वायुमंडल पाई जाएगी तो जो सूरज से आएगी गर्मी तो वो क्या कर लेगा? अपने अंदर बंद करके रख लेगा तब तो गर्म रहेगा ना। नहीं इसमें अभी जब क्वेश्चन पूछूंगी या नहीं बताया आंसर तो सोच ले खालू देखूंगी फिर। तो सूरज से जब ऊष्मा गर्मी आती है इसके अंदर तो वायुमंडल की तो परत है नहीं, हवा तो है नहीं, तो ये क्या कर देगा रात के टाइम में? जितना सुबह के टाइम में गर्म होगा उतना ही रात में क्या हो जाएगा? ठंडा। ठंडा हो जाएगा, जितना गर्म नहीं रहेगा वो दूसरे ग्रह में चले जाएगा। और देखो हाँ। सबसे ठंडा कौन सा है? सबसे लास्ट वाला ना चांद। सुन दे पहले ये वाला क्या होगा? तो जो जो तुम्हारा मर्क्यूरी होता है बुध ग्रह होता है ये सबसे गर्म नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसके पास वायुमंडल की परत नहीं है, नहीं पाई जाती इसीलिए। और जो ये है शुक्र ग्रह है तुम्हारा वीनस, इसके पास वायुमंडल की परत होती है इसलिए जो सूरज से गर्मी आती है ना हीट वो क्या कर लेता है? पकड़ के रख लेता है, एब्जॉर्ब करके रख लेता है, जिसके कारण उसके अंदर क्या बनी रहती है? गर्मी। इसके अंदर जाओगे पिघल जाओगे, मर जाओगे इसके अंदर जाओगे, इसलिए इसके अंदर बहुत ज्यादा गर्मी होती है। ठीक है अब हमारे तीसरे नंबर पे कौन सा ग्रह है, कौन सा प्लेनेट है? पृथ्वी। अच्छा जरा सर मैं पूछती जाए लाइन से बताना मुझे। हाँ ठीक है, छठे नंबर पे कौन सा ग्रह है? हाँ दीदी छठे नंबर पे जुपिटर। पक्का? हाँ फाइनल। कौन सा है छठे नंबर पे? याद आ गया मेरे को शायद से बोल सकता है दीदी जुपिटर। सनी ग्रह। देखना जरा क्या लिखवाया था इंग्लिश मीडियम वालों, अंग्रेज की औलाद नहीं के, अंग्रेज की औलाद बन रहे हैं, हिंदी में ना याद करोगे ना इंग्लिश में याद करोगे। आप सुनो ये हमारा क्या हो गया, पृथ्वी हो गया, यहाँ पे हर तरह वायुमंडल पाई जाती है, यहाँ पे क्या पाया जाती है? जीव जीवन पाया जाता है। ठीक है हमारा हो गया पृथ्वी और दीदी एक ही ग्रह के बाद क्या आ जाएगा? मंगल। आप सुनो ये तुम्हें ये जो बीच में दिख रही है ये क्या है? लेयर है। किस चीज का दीदी? कोई प्लेनेट के टूटने से ये क्या है बना हुआ है? मतलब वो है क्या कहते हैं इसको हिंदी में बोलते हैं छूत्र ग्रह। लिखो एस्ट्रोनॉट।
लिखो, नोट डाल के लिखो कि मंगल और बृहस्पति के बीच में शुद्ध ग्रह पाए जाते हैं। मगर तुम अपने कॉपी में कष्ट नहीं करोगे लिखने का। मैं लिख रहा हूं। क्या बोला? क्या होता है सीपीयू का फुल फॉर्म? मंगल। तुझसे नहीं पूछा, तू गूगल करके क्या लिख रहा है। किसके ख्यालों में खोए हुए हो जनाब? खड़े हो जा। अरे दीदी बताओ तो क्या लिखना है। मंगल और बृहस्पति, मतलब तुम्हारा मार्स और ये कौन सा था? बृहस्पति, जो भी था लिख लो। मंगल और बृहस्पति के बीच में कौन सा क्या पाया जाता है? शूद्र ग्रह। कौन सा ग्रह? शूद्र ग्रह। शूद्र, शूद्र में था लिख दे मंगल में। शूद्र लिख दो। मंगल के लेयर में शूद्र ग्रह पाया जाता है। क्या मंगल के लिए? ये पहले था तो दीदी ये लिख दे। मंगल के लेयर में शुद्र ग्रह पाया जाता है। मंगल और बृहस्पति के बीच में शुद्र ग्रह पाए जाते हैं। जल्दी में तो खड़े हो जाओ। जल्दी सीपीयू का फुल फॉर्म सोचते। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यूनिट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तेज बोल, तेज बोल। आवाज ही नहीं आ रही है। इसको जानते क्या कर, मिर्च इतना ले और इसको बोलता है या नहीं बोलता आपके सामने, इसलिए बोलते हो गिरा गिरा तुम्हारा मारा बहुत। मिर्च इतना लो, इसको मुंह में डालो, तीज चिल्लाएगा। मुँह में मिर्ची डालने जाऊंगा तो क्या हुआ? डंडे से लगा दिया मिर्च मार। इसने तो मार रखा है, उसके आँख से आंसू नहीं निकलता। शूद्र ग्रह पाया जाता है। दीदी सारे और तुम सूर्य में पहले भी ग्रह जब किसमें दीदी सारे थोड़ी ड्राइंग अभी पहले ग्रह पढ़ा के अंदर खुद का उष्मा होता है, ग्रह के अंदर खुद का उष्मा नहीं होता है। सारे चमकते हैं, ग्रह चमकते हैं। कंप्यूटर की स्पेलिंग बता दे। वही यार खड़ा हो जा, आ जा इधर, इधर आओ, बताओ कंप्यूटर का स्पेलिंग। कम काइंड्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के पार्ट्स बताओ। पहला अब ये रहा कंप्यूटर, देख ले, देख के बता दे जल्दी जल्दी। PKCM पहला। मॉनिटर, मॉनिटर क्या होता है? जो टीवी है, टीवी दिख रहा है वो क्या है? मॉनिटर है, ठीक है। मॉनिटर दूसरा क्या दिख रहा है वहाँ? कीबोर्ड। बेटा उठ के मारो, जल्दी उठ के उठा के। वहाँ क्या है? माउस, माउस मॉनिटर, माउस मॉनिटर, माउस बोल ले थोड़ा अच्छे से। स्कूल वाला मॉनिटर मुझे याद नहीं करना, तुझे याद करना है। मॉनिटर हो गया, माउस, माउस के बाद क्या दिख रहा है? दबाने वाला क्या है? कीबोर्ड, कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड। तीनों लाइन से बोल। चौथा उसके नीचे क्या दिख रहा है? उसका दिमाग दिख रहा है। सीपीयू को क्या कहते हैं कंप्यूटर का? ब्रेन, ब्रेन यहाँ है उसका, कंप्यूटर का ब्रेन क्या है? सीपीयू, सीपीयू सेंट्रल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में वायर लिख देंगे चलेगा ना? वायर नहीं चलेगा, माइक। हाँ वो चल, स्पीकर चलेगा, पार्ट्स ऑफ उसमें लिख देगा, प्रिंटर हो जाएगा। हाँ पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर अच्छे से लिख के याद कर जाएगा पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर है ना। कंप्यूटर के बहुत सारे टाइप्स क्या है? कंप्यूटर के बहुत सारे टाइप्स हैं। पहले हम पढ़ते हैं माइक्रो कंप्यूटर। क्या पढ़ेंगे? माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो का मतलब क्या होता है? हाँ बताओ कोई, माइक्रो का मतलब क्या होता है? चिम्बुक। इतना मारो नहीं चिपक जाएगा जाकर। माइक्रो प्लाज्मा। ओए इसका पेंसिल से बनाना है। माइक्रो कंप्यूटर माइक्रो का मतलब होता है छोटा कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला क्या हो गया? माइक्रो कंप्यूटर में डेस्कटॉप, डेस्क है। ये क्या है? डेस्क है, डेस्क के टॉप पे रखा जाता है। टॉप का मतलब क्या हो गया? एक
ये किस बात की शहर चिल्पिल हो रही है? नहीं बोरे घर जाने के लिए। नहीं दर, ये क्या है? डेक्स है कुनाल। डेस्कटॉप किसे कहा जाता है इसको? ये टीवी दिख रहा है, टीवी टाइप कंप्यूटर का, इसको बोलते हैं डेस्कटॉप। डेस्क के ऊपर रखा जाता है, डेस्क के टॉप पे रखा जाता है, तो डेस्कटॉप हो गया। ठीक है, डेस्कटॉप याद रहेगा। क्या होता है डेस्कटॉप? क्या है मॉनिटर? गूंगा मत बन, मारूंगी ना गूंगा बन सारा निकल जाएगा। डेस्कटॉप सेकेंड हो गया, लैपटॉप लैपटॉप और तीसरा हो गया टैबलेट। वो खाने वाली टैबलेट नहीं जो हाथ में लेके चलते हैं, इतना बड़ा होता है फोन, फोन ही टैब होता है, टैबलेट देखा है ना टैबलेट। ये 500 कंप्यूटर याद करके आएगा, माइक्रो कंप्यूटर के लिए देखा है। और जो पहले करा दिए सीपीयू नहीं आएगा तू, रेलवे में कितने टाइप है वो बन जाए, आरपीएफ में चले जाइए। मैं इसकी जान ले लूंगा बैठे। रेलवे पुलिस फोर्स आरपीएफ पुलिस का होता है, कर ले खाना लोग आरपीएफ में चले जाइए। पहले पढ़ तो ले, टेंथ तो पास कर ले, आरपीएफ में जाइए। उसमें पढ़ना भी पड़ता है क्या? पढ़ने की बात है, जॉब लेनी है।